हाय गाइस, वेलकम टू वीना क्रिएशन। नेहा अलार्म क्लॉक चैप्टर समरी इज कंप्लीटेड इन माय प्रीवियस वीडियो। नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज। गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड टच द बेल बटन आल्सो। लेट्स स्टार्ट विद नेहा अलार्म क्लॉक वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज स्नगल्स। स्नगल्स मीन्स आराम से लेटना। म्यूटर्स, म्यूटर्स मीन्स बड़बड़ाना। देन विंडो सिल, देहली। विंडो सिल मीन्स देहली। रिलैक्स, आराम करना। रीडिंग इज फन। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब है कि कौन सा टाइम था जिस समय अलार्म बजता था नेहा की घड़ी में। 4 o'clock था, 9 o'clock था और 6 o'clock था। कौन सा था? 6 o'clock। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बर्ड से। बर्ड क्या कहती थी? स्लीप ऑन, फर्स्ट, सेकेंड वेक अप, थर्ड गो एंड प्ले। क्या कहती थी? वेक अप। तो क्या आ जाएगा? बी, बी पे टिक आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। कि आप लोगों के अंदर क्या ऐसा है जो कि आपको सेम टाइम पर उठा देता है। अवर बॉडी क्लॉक, अवर आईज, अवर फीट। क्या है हमारे पास? अवर बॉडी क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 4, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें क्या करना है कि वर्ड्स जो हैं वो रीअरेंज करके लिखे हैं, तो उनको अरेंज करके सीधे करके लिखना है। जैसे ये लिखा है आई एल ई एस एम, तो इसे एस एम आई एल ई स्माइल। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है तो इसका क्या बन जाएगा? ए एल ए आर एम, अलार्म। नेक्स्ट का सी एल ओ सी के, क्लॉक। ये तभी आएगा आपको अगर आपको स्पेलिंग्स आती होंगी। देन मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग। नेक्स्ट इज स्नॉर्ड, एस एन ओ आर ई डी। देन विंडो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडो। Let's listen and talk. Question is, listen to the sounds around you and when you are on your way to school. क्या सुनना है? आवाज़ें सुननी हैं। कब? जब आप स्कूल जा रहे हैं। Discuss with your friends the sound that you hear. Discuss करना है अपने friend से जो भी sounds आप सुनते हैं। List them here. इस question को आपने friend से discuss कर खुद करना है। Next question है, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक, अगर तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं है, इन द हाउस, तुम्हारे घर में, टू वेक यू इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह उठाने के लिए, हाउ विल यू वेक अप, आप कैसे उठोगे सुबह? आंसर इज नो, आई विल वेक अप द साउंड ऑफ क्रिपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के साउंड होने से, बेल ऑफ द टेम्पल, टेम्पल में जो बेल बजती है उससे, और ड्यू टू द लाइट, और रोशनी जो कि सुबह के समय होती है, ब्राइटनेस, और ब्राइट सन, सन के आने से, दैट विल बी स्प्रेड इन द रूम, जो हमारे रूम में फैल जाती है इन द मॉर्निंग। पक्षियों के चहचहाने से, मंदिर में घंटी बजने से, और लाइट के होने से, सन की ब्राइटनेस से हम वेकअप करेंगे। What are the different ways of knowing the time during the day? अलग अलग तरीके कौन से हैं टाइम को जानने के? There are many ways to know the time. For example, first is listening to the television or radio. TV और radio के द्वारा और phones के द्वारा। Asking someone who knows. अगर किसी को पता है तो उसके द्वारा। By judging the intensity of सनलाइट, सनलाइट कितनी ज़्यादा धूप है उससे भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग में आपको वर्ड लिखने हैं, फाइंड द हिडन वर्ड्स, मदर, बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। ये वर्ड किसने कहे और किससे कहे? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। बर्ड ने बोले हैं, नेहा से कहे हैं। टू होम, टू नेहा। माँ, हु वोक मी अप टूडे। किसने बोला था ये? नेहा ने। किसको बोला टू होम? मदर को बोला। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? किसने कहा?
कि आप हर रात सोते हो, मदर ने बोला था ना रात 9 बजे सो जाते हो, किसको बोला? नेहा को पूछा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें वॉज और वर को फिल करना है। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम सिंगल है, सिंगलर है, तो उसके लिए वॉज यूज़ हुआ है। द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउज बहुत सारी हो गई, इसीलिए वर यूज़ हुआ है। सी माई टॉय वर ब्रोकन। वर क्यों आया? क्योंकि टॉयज़ आ गए, बहुत सारे टॉयज़ आ गए, प्लूरल में आ गया है। डी है हर फ्रॉक्स वॉज टू लॉन्ग। तो इसमें क्या आ गया? उसकी फ्रॉक सिंगल फ्रॉक है ना, इसीलिए वॉज आया है। ई है द मार्केट वॉज क्लोज्ड। मार्केट क्या है? सिंगुलर होता है, एक मार्केट होती है, तो उसके लिए वॉज आया है। एफ है द चिल्ड्रन वर हैप्पी। अब चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हो गए, इसीलिए वर यूज़ हुआ है। जी द फ्लावर्स वर कैप्ट इन द वेस। वर क्यों लगा है? क्योंकि एस फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दीज वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें? पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड एंड अंडर। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। कल मेरी क्या हो गई थी? बुक खो गई थी एंड मैंने सभी जगह देखी। आई लुक डैश आ डोर, क्या आ जाएगा? बिहाइंड आ डोर, बिहाइंड आ जाएगा फर्स्ट में, पिक्चर में आप देख रहे होगे। आई लुक्ड इनसाइड, क्या देख रही है गर्ल? इनसाइड देख रही है ए कबर्ड, क्या देख रही है? बुक्स अंदर देख रही है अपनी। देन आई लुक डैश आ बेड, कहाँ है गर्ल? अंडर, नीचे, तो अंडर आ जाएगा। आई लुकड अंडर आ बेड। देन आई कुड नॉट फाइंड इट एवरीवेयर। देन आई कॉल्ड आउट, यहाँ पर देखो चिल्ला रही है ना, बोल रही है, कॉल्ड आउट आ जाएगा। शीरो शीरो माई डॉग केम रनिंग टू मी। आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक। ही क्या आ जाएगा? पुल्ड आउट, लास्ट में क्या बचा है? पुल्ड आउट, उसने निकाली अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। हेयर इज़ द वर्ड क्लॉक, राइट डाउन द वर्ड्स रिलेटेड टू द क्लॉक। क्लॉक बनी हुई है और उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। साउंड है तो हमने टिकटॉक लिख देना है, टिकटॉक टिकटॉक। देन नैदर वर्ड है तो वॉच, पिक्चर है तो हमने पिक्चर ड्रॉ कर दिए, क्लॉक है तो घड़ी लिख दिया है। एंड नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम्स है तो उसमें डायल, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड सेल लिख दिया है। मेक अ सेंटेंस है तो उसमें हमने देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल ऑफ माई मॉर्निंग। नेक्स्ट इज हेयर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। मॉर्निंग वर्ड दिया हुआ है, उससे रिलेटेड वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो मॉर्निंग में क्या होता है? सनराइज होता है, बर्ड्स दिखते हैं, सन, डॉन, डे लाइट, डे टाइम, ये सारे वर्ड्स मॉर्निंग से रिलेटेड हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। नाउ द होल चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।